finishes off in style. इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20 इंटरनेशनल 2022 28 सितंबर 2022 शाम के 7 बजे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवंतपुरम। इस मैच के लिए अगर हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो तिरुवंतपुरम का यह मैदान पूरी तरह से बैटिंग पैराडाइज है। यहां पर एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोनों साइड के बल्लेबाज अच्छे हिटर हैं और T20 फॉर्मेट में वह काफ़ी खेल चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के स्क्वाड का लगभग सभी खिलाड़ी IPL भी खेल चुके हैं, इसीलिए उनको इसका भी फायदा मिल सकता है। इस पिच पर 160 एक एवरेज स्कोर माना जाता है। बीच के ओवर्स में स्पिनर्स विकेट निकालेंगे, इसीलिए फाइनल टीम में हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। हम अगर इंडिया के प्लेइंग 11 की बात करें तो यह कुछ ऐसी हो सकती है। रोहित शर्मा, KL राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह, यूजी चहल और अर्शदीप सिंह। इस सीरीज से हार्दिक पंड्या, भुवनेश्वर कुमार और हर्षल पटेल को आराम दिया गया है। अर्शदीप सिंह, दीपक चाहर और मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है। साथ ही शमी के जगह पर उमरान मल्लिक को भी टीम में शामिल किया गया है। यह भी संभव है कि वह सरप्राइज तरीके से टीम में खेलते हुए दिखे, लेकिन विश्व कप की तैयारी को लेकर टीम इंडिया ज़्यादा चेंजेस करने से बचेगी। हम अगर साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 की बात करें तो यह कुछ ऐसी हो सकती है। क्विंटन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स, टेम्बा बाउमा, एडेन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, ड्वेन प्रिटोरियस, केशव महाराज, रबाडा, एनरिक नौरकिया और तबरेज शमसी। इस सीरीज में राशि वंडर डसन नहीं खेल रहे हैं, इसलिए ट्रिस्टन स्टब्स को टीम में शामिल किया गया है। वह एक परफेक्ट बैटिंग ऑलराउंडर है। हम अगर आपके लिए फैंटेसी प्लेइंग 11 की बात करें तो यह कुछ ऐसी होनी चाहिए। विकेटकीपर में आप क्विंटन डिकॉक को रखिए। दिनेश कार्तिक को अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि वह बैटिंग करने के लिए बहुत नीचे आते हैं। बल्लेबाजी में रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रिजा हेंड्रिक्स और श्रेयस अय्यर आपके लिए मस्ट पिक होने चाहिए। आप रोहित शर्मा, विराट कोहली और KL राहुल तीनों में से किसी दो को ही टीम में रख सकते हैं। ऑलराउंडर में एडन मार्करम और ट्रिस्टन स्टब्स को रखिए। वहीं गेंदबाजी में कगिसो रबाडा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह या युजवेंद्र चहल दोनों में से किसी एक को। हम अगर आपके फैंटेसी टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो इंडिया अगर पहले बल्लेबाजी करेगी तो आप रोहित शर्मा को कप्तान बनाइए, वहीं एडन मार्करम को वाइस कैप्टन। साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करती है तो आप क्विंटन डिकॉक या रिजा हेंड्रिक्स दोनों में से किसी एक को कप्तान बनाइए, वहीं सूर्य कुमार यादव या यूजी चहल दोनों में से किसी एक को वाइस कैप्टन। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले पहले T20 इंटरनेशनल के लिए हमारी ओर से फैंटेसी टिप्स यह है कि भले ही इस मैच के लिए आपको इंडिया के ओर से सिर्फ एक ऑलराउंडर अक्षर पटेल का ऑप्शन है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के ओर से आपको एडन मार्करम, ड्वेन प्रिटोरियस और ट्रिस्टन स्टब्स जैसे ऑलराउंडर है। जितना हो सके आप टॉप और मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन का कॉम्बिनेशन रखिए, यह काफ़ी हेल्पफुल होगा। साथ ही गेंदबाजी में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर यानी कि युजवेंद्र चहल, केशव महाराज और तबरेज शमसी में से एक या दो स्पिनर होने ही चाहिए। स्लॉग ओवर्स के लिए आपके पास बुमराह और रबाडा का बेस्ट ऑप्शन है, फिर भी आप अर्शदीप सिंह और दीपक चाहर के साथ एनरिक नॉर्टजे को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जो चेंजेस हमने आपको अभी बताया है वह प्लेइंग 11 अनाउंस होने के बाद टॉस के अनुसार किया जाएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ टॉस पर डिपेंड करने वाला है। फाइनल टीम हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल बेजोर क्रिकेट पर देंगे। तो अब आप अपनी टीम बनाइए और जीत का आनंद लीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। साथ ही जरूरी सजेशन, इन्फॉर्मेशन और फाइनल टीम के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेजोर क्रिकेट से भी जुड़िए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यह वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उनका भी टाइम बचाइए। थैंक यू सो मच।